आखिरी विकेट के लिए हारिस वसीम ने लगा दी थी अपनी पूरी जान की बाजी। चट्टान बनकर खड़े हो गए थे मार्करम, हार कर भी कैसे जीत गई पाकिस्तान। चलते मैच मिर्जवान जॉनसन के बीच हुआ था गाली गलौज। लगातार चार मैच हारने के बाद भावुक हुए बाबर आजम, रोने लगे मोरने मोरकल। घायल शेर की तरह मैदान में उतरे थे ओसामा मीर, रुक गई थी पूरे पाकिस्तान की सांसें। नाखून चबाने को मजबूर हो गए थे क्विंटन डिकॉक, पाकिस्तान हुई सेमीफाइनल से बाहर। धोनी के आईपीएल वाले घर चेन्नई में बाबर आजम पाकिस्तान की बची खुची इज्जत बचाने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरे थे, लेकिन बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी शुरू में ही मार चुके थे। पाकिस्तान के कराची से लेकर लाहौर तक सभी टीवी से चिपक कर इस महामुकाबले पर अपनी नजर बनाए हुए थे। बाबर की सेना किसी तरह से लड़ते मरते 270 रन तक पहुंच पाई थी। पाकिस्तान 24 गेंद पहले ही ऑल आउट हो चुकी थी। करो या मरो के इस घातक जंग में पाकिस्तान के दोनों ओपनर बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए थे। बाबर आजम एक बार फिर से भूल चुके थे कि वह वनडे मैच खेल रहे हैं या फिर टेस्ट मैच खेल रहे हैं। बाबर आजम ने 50 रन मारे थे, मगर उसके लिए बाबर आजम ने 65 गेंद खर्च कर डाली थी। जिस खिलाड़ी को पाकिस्तान का सबसे फ्लॉप खिलाड़ी समझा जाता था, उसी सऊद शकील ने गेंद के धागे खोल दिए थे। शादाब खान ने भी 43 रनों की शानदार पारी खेली थी। 400 रन बनाने वाली साउथ अफ्रीका के सामने 200 रनों का टारगेट मामूली सा दिखाई दे रहा था। पूरा क्रिकेट जगत साउथ अफ्रीका को इस मैच को जीतने का प्रबल दावेदार बता रही थी। पिछले मैच में अपने बल्ले से आतंक मचाने वाले क्विंटन डिकॉक ने इस मैच में भी पहले ही ओवर से तबाही मचाई थी। ज़्यादा तेज खेलने के चक्कर में क्विंटन डिकॉक तीसरे ही ओवर में शाहीन साफ रिद्धि को अपना विकेट गिफ्ट में दे चुके थे। समय समय पर एक तरफ से साउथ अफ्रीका के विकेट गिरते जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ से एडन मार्करम अकेले ही गेंद के धागे खोल रहे थे। एडन मार्करम को तबाही मचाता हुआ देख पाकिस्तानियों की सांसें अटक चुकी थी। चलते मैच के दौरान शादाब खान के चोटिल होने की वजह से अचानक से ओसामा मीर की पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में एंट्री हुई थी। बाबर आजम पूरे मैदान पर दौड़ते हफड़ते हुए नजर आ रहे थे। एडम मार्करम ने भी साउथ अफ्रीका को मैच जिताने के लिए अपनी पूरी जान की बाजी लगा दिए थे। क्लासेन मिलर मार्को जॉनसन के जल्दी जल्दी आउट होने के बाद मार्करम वन मैन आर्मी की तरह लंबे लंबे छक्के लगाए जा रहे थे। तभी पहला विश्व कप खेल रहे ओसामा मीर ने पलटवार करते हुए मार्करम को 91 रनों पर बाबर के हाथों कैच करवा देते हैं और मार्करम अपना शतक नहीं जड़ पाते हैं। मार्करम के आउट होने के बाद पाकिस्तान मैच में वापसी कर चुकी थी। जब साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 28 रन चाहिए थे, तब पाकिस्तान को इतिहास रचने के लिए 3 विकेट लेने थे। साउथ अफ्रीका के 7 विकेट गिर चुके थे और साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए अभी भी 28 रनों की दरकार थी। शाहीन साफ रिद्धि ने गेराल्ड कोटजे को अपनी जाल में फंसा के पूरा मैच पाकिस्तान की तरफ पलट दिया था। जब साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे, तब पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 1 विकेट चाहिए थे। हारिस और वसीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी आखिरी का 1 विकेट लेने में। सबकी सांसें रुक चुकी थी। क्विंटन डिकॉक रोते हुए नाखून चबाते हुए दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तानी गेंदबाजी कोच मोरने मोरकल भावुक हो गए थे। मोरकल की आंखों में आंसू दिख रहे थे। आखिर वह किसे सपोर्ट करें, मोरकल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के बॉलिंग कोच है, दूसरी तरफ उनकी देश साउथ अफ्रीका उनके सामने बुरी तरह से हारते हुए दिखाई दे रही है। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच यह घातक मैच पूरी तरह से फंस चुका था। बाबर के दिलों की धड़कनें बढ़ना चालू हो गई थी। 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय मूल के केशव महाराज चट्टान बनकर क्रीज पर खड़े हो जाते हैं और मोहम्मद नवाज के 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका मारकर केशव महाराज साउथ अफ्रीका को ऐतिहासिक मैच जिता देते हैं। साउथ अफ्रीका यह मैच जीत चुकी थी। पाकिस्तान को एक बार फिर से लगातार चौथी मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच को हारने के बाद पूरे पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में मातम छाया जा चुका था। बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान हर कोई ग्राउंड पर होता हुआ नजर आ रहा था। इंटरव्यू के दौरान भी बाबर आजम काफी ज्यादा भावुक हो गए थे। अब पाकिस्तान के लिए इस विश्व कप में वापसी करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है, तो वहीं पर पाकिस्तान इस विश्व कप में सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह से बाहर हो गई है और साउथ अफ्रीका इस विश्व कप में टेबल टॉपर बन चुकी है। दोस्तों, इस मैच में पाकिस्तानी बैटिंग के दौरान मोहम्मद रिजवान और मार्को जॉनसन के बीच लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिला था। उस ओवर में मार्को जॉनसन ने 1 विकेट भी लिया था।